चलिए आज हम देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके अंतर्गत कहीं ना कहीं जिसकी आवश्यकता हमें पड़ती है और उसके अंदर हम देख रहे हैं डेवलप कंटेंट। डेवलप कंटेंट की यदि हम बात करें तो इंडेक्स के जैसा ही है लेकिन थोड़े सा एडवांस कह सकते हैं उसको, जिसका इजीली तौर पर हम यूज़ कर सके और किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर लाइन या इंडेक्स पर पहुँच सकते हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट को यूज़ करना बहुत आसान है। तो इसके लिए आपको क्या कर लेना है कि सबसे पहले हम कुछ चैप्टर यहाँ पर बना लेते हैं, चैप्टर वन चैप्टर टू इस प्रकार के इंडेक्स क्रम यहाँ पर हम तैयार कर लेते हैं। जैसे हमने चैप्टर कुछ चैप्टर मैंने लिखा और यहाँ पर उन चैप्टर्स के हम डिफाइन कर देते हैं चैप्टर को, वन टू थ्री चैप्टर फोर फाइव इस प्रकार से हम अलग अलग चैप्टर को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने 9 तक यहाँ पे डिफाइन कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि इन चैप्टर को सेलेक्ट करके यहाँ पर हेडिंग्स को डिफाइन करना। यदि आपने हेडिंग्स में उनको डिफाइन किया तभी आप टेबल ऑफ कंटेंट का यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज टेबल ऑफ कंटेंट में वो डेटा नहीं आएगा। यहाँ पर हमने चैप्टर डिज़ाइन किया है, अब हमें क्या करना है कि इस डेटा को सेलेक्ट कर लेना है और फिर जाना है टेबल ऑफ कंटेंट पर। यहाँ पर आप अलग अलग हेडिंग्स हैं, ऑटोमेटिक टेबल वन टेबल टू, तो उसमें टेबल को सेलेक्ट कर लेना है। हम ओके करते हैं। हम यहाँ पर टेबल कंटेंट फर्स्ट अभी सेलेक्ट करते हैं। इसको हेडर में भी रख सकते हैं आप। ये टेबल हालांकि हेडर में हम नहीं रखना, ना रखना ज़्यादा अच्छा रहेगा इसको, क्योंकि हेडर्स ऐसी चीज़ है जो सभी पेजेस में अपेयर होते हैं। तो हम इंडेक्स फर्स्ट पेज पर यहाँ पर इसको इंसर्ट करते हैं, एक एंटर में ले लेता हूँ और टेबल ऑफ कंटेंट पर जाते हैं। यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट हम इंसर्ट कर देते हैं। देखेंगे कि यहाँ पर टेबल कंटेंट आ चुके हैं जिसमें चैप्टर फर्स्ट पेज पर है, चैप्टर टू भी फर्स्ट चैप्टर पर है। ये टेबल ऑफ कंटेंट यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि चैप्टर फर्स्ट का डेटा यहाँ पर असाइन करना है। जो भी हमारा डेटा चैप्टर फर्स्ट का होगा वो हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं जैसे कुछ डेटा यहाँ पर असाइन कर लेते हैं। हम कुछ डेटा मेरे पास ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। माना कि ये चैप्टर फर्स्ट का डेटा है, तो मैं चैप्टर फर्स्ट में इसको इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पर हमने इंसर्ट कर दिया। इसके बाद चैप्टर टू पर जाते हैं। ये चैप्टर हमारा टू है। यहाँ पर मैं कुछ और डेटा जो इस चैप्टर का होगा वो असाइन करता हूँ। ठीक है, ये चैप्टर टू हो गया। इस प्रकार से अलग अलग चैप्टर को हम अब असाइन करते जाएंगे। इसका बेनिफिट क्या है, अब यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट पेज पे दिखा रहा, तो अब हमें इसको अपडेट करना है। चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट को अपडेट कर लेना है। अपडेट करते हैं। यहाँ पर ये देखिए किस पेज पे कौन सा चैप्टर है आ रहा है वो यहाँ पर शो कर रहा है। अब माना कि हमें चैप्टर टू या चैप्टर थ्री का डेटा देखना है, तो यहाँ पर बता रहा है कर्सर ले जाने पर, नंबर के ऊपर लाइन के ऊपर कर्सर ले जाने पर बता रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक फॉलो लिंक। तो कंट्रोल के साथ में अब हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो क्या करेगा, उस चैप्टर पर आपका कर्सर ले जाएगा जहाँ पर आपका चैप्टर थर्ड है, यानी इंडेक्स की जैसा ही है लेकिन लिंक भी दे रहा है और किस पेज पर वो चैप्टर असाइन किया है वो यहाँ पर आ रहा है। साथ ही साथ नया डेटा जोड़ने पर यदि आप चैप्टर फिफ्थ या सिक्स को आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ पर कोई डेटा असाइन करते हैं तो उसको आप उसके बाद जो है कि अपडेट करवा सकते हैं। अपडेट कर लेने के बाद
आपको वही लिंक आपको प्रोवाइड करवाता है विथ पेज। तो एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसका प्रयोग करके आप अपने कार्य को आसान कर सकते हैं। साथियों, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।